वस्तु से ही इनको दिक्कत है, उससे मुक्ति। अरे भाई, तो मुक्ति किस लिए मांग रहे हो? धर्म कर्म कर्म कांड करके सेल्वेशन, इमेंसिपेशन। उनके अच्छे दिन की परिभाषा कुछ और है। उनके अच्छे दिन का मतलब है कि एक धर्म का कब्जा, एक धर्म का राज, एक धर्म को मानने वाले लोग, एक तरह के कपड़े, एक तरह की वेशभूषा, एक तरह का चाल ढाल, एक तरह का खाना भोजन। भी सिर्फ ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी कोई दूसरे ब्राह्मण नहीं, चित्तपावन होना चाहिए, वही लोग आरएसएस का हेड होता है। तो सब जितने चित्तपावन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। आप जैसे जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप देश तोड़ने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे नारे लगाते हैं, और कहीं ना कहीं जो भारत की संस्कृति है उसको बर्बाद करने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, सबसे बड़ा धब्बा भारत की संस्कृति पर वही है। भारत की जो मुश्तरका तहजीब है, उसमें हर तरह के विचारों के लिए जगह है, और मिथकीय चरित्रों में बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम उन मिथकों में से भी एक वाकया लेकर पेश करें, तो कृष्ण तो 100 गालियां सहते थे, 100 गालियां दी शिशुपाल ने, 100 गाली तक उन्होंने उसको माफ़ किया, 100 गाली तक बर्दाश्त किया। हम जैसे सहिष्णु समाज के लोग को 2000-4000 गालियां सुनने का स्टेमिना डेवलप कर लेना चाहिए। ये जो बदतमीज़ी और बेहूदगी भरे बयानात हर रोज़ हमको सुनने को मिलते हैं, दरअसल नफ़रत की मियाद बहुत लंबी नहीं होती, इसको जाना है। आज़ादी के नारों को कहा जा रहा है राजद्रोह, जो है ये माना जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा। ये जो 124A है सेडिशन का, बहुत कॉलोनियल लॉ है, और उसके बारे में जब उसी चार्ज में गांधी जी चले गए जेल, तो उन्होंने कहा कि दिस 124A इज़ द प्रिंस ऑफ ऑल ब्रिटिश लॉज, शायद गांधी ने ही कहा था। हाँ, तो ब्रिटिश हुकूमत का राजकुमार था वह कानून, और उसी के बदौलत वो सबको धौंस दिखाकर सबको अंदर बाहर करते रहता था। आज़ाद भारत में तो इस तरह के जो कानून हैं उसका दुरुपयोग शासन सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, और अपने ही लोग को सता रहे हैं। आप कह रहे हैं, तो इसलिए उस तरह का बयान जो है उनकी उसी मंशा का परिचायक है जिस मन से और जिस नीयत से ये लोग मुखबिरी किया करते थे। आप कह रहे हैं कि ये आज़ाद भारत है, फिर आज़ाद भारत में आज़ादी के नारे क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई, ये जो गरीबी है, यह जो भुखमरी है, यह जो बेकारी है, यह जो लाचारी है, यह जो जलालत है, जिल्लत है, इससे तो हर कोई मुक्त होना चाहता है। अब उसको मुक्ति कहिए, नहीं बोलते हैं गरीबी से मुक्ति, इंदिरा गांधी का तो नारा था, गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ, गरीबी से आज़ादी, अशिक्षा से आज़ादी का उसको, माने दरअसल उर्दू से ही इनको दिक्कत है, उससे मुक्ति। अरे भाई, तो मुक्ति किस लिए मांग रहे हो? धर्म कर्म कर्म कांड करके सेल्वेशन, इमेंसिपेशन। वसीम बरेलवी का एक शेर है, जैसे देखिए, सब जगह उर्दू उर्दू हटा के देहरादून सब में संस्कृत वगैरह, अरे देहरादून को क्या लिखोगे? वो तो देवनागरी लिपि है, वही लिखाएगा संस्कृत में भी। किसी किसी जगह अनुस्वार हो जाएगा, कहीं विसर्ग हो जाएगा, यही ना करोगे? तो बरेलवी साहब का एक शेर है कि तेरी इन नफ़रतों को प्यार की खुशबू बना देता, तेरी इन नफ़रतों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता। तो ये अहमक को पता नहीं चलता, यह तो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी और कंट्री है ना, यहाँ तो अनेक भाषा, अनेक मजहब और अनेक मान्यताओं के लोग हैं। तो जिज्ञासु, जैसे अभी हाल हैं देश में, क्या लगता है सरकार जो है कहीं ना कहीं समझने में देश के हालात को विफल रही और लोगों को समझा नहीं पाई, जिस प्रकार के अब हालात बन गए हैं? नहीं, सरकार ने तो कभी नहीं कहा था कि हम इस देश का भला करने के लिए आएंगे, कभी कहा था? कहा तो था, कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। तो उनके अच्छे दिन की परिभाषा कुछ और है। उनके अच्छे दिन का मतलब है कि एक धर्म का कब्जा, एक धर्म का राज, एक धर्म को मानने वाले लोग, एक तरह के कपड़े, एक तरह की वेशभूषा, एक तरह का चाल ढाल, एक तरह का खाना भोजन। वो तो कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी जोड़ दो। तो हुआ ना, अपर कास्ट मेल हिंदू, उसमें भी सिर्फ ब्राह्मण,
और ब्राह्मण में भी कोई दूसरे ब्राह्मण नहीं, चित्तपावन होना चाहिए, वही लोग आरएसएस का हेड होता है। तो सब जितने चित्तपावन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। नहीं, आपने आरएसएस हेड की बात करी, इस पर लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि आरएसएस का हेड ब्राह्मण के अलावा कोई और क्यों नहीं बनता, क्या वजह? लोग तो बहुत हैं उसमें, एससी एसटी के लोग शाखा लगा। एक दलित को बंगारू लक्ष्मण के इन लोगों ने भाजपा का अध्यक्ष बनवाया था और उनको एक स्कैंडल में फंसवा दिया। ये इस तरह के लोग हैं। यहाँ 10 बार नमस्कार नमस्कार करते हैं मौर्य जी, तब उसका उत्तर मिलता है। अडवाणी जी के प्रति मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन नफरत गर्दी को स्थापित करने में जिस आदमी का इतना बड़ा योगदान हो, तो बाकी नफरत गर्द को तो उस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। कातर भाव से डरे सहमे अडवाणी जी ये दोनों के सामने हाथ फैलाए। क्या कोई डरा सहमे की वजह से एससी एसटी ओबीसी का कोई पद लेना नहीं चाहता इन संगठनों? नहीं नहीं नहीं, पद लेना क्या, आपके नाम पर वोट ले लेगा, बना देगा अजय सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री। अब अजय सिंह बिष्ट जो है झाड़ू उगलता रहेगा, वो बोल रहा है कि पता नहीं इतना बेवकूफ़ नहीं कहेंगे, बदतमीज़ आदमी है, और उसका बयान इतना बेहुदा किस्म का है कि मतलब अपने रजाई के अंदर रहते हैं ये लोग, और औरतों को बाहर बताओ, औरतों के प्रति इस आदमी की ये सोच है। सुमित्रा महाजन को हटा दिया ना, चुनाव भी नहीं लड़ने दिया, दोबारा स्पीकर की तो बात छोड़ो। महिलाओं के प्रति इन लोगों का ये रवैया है, सुषमा स्वराज जी के खिलाफ खबर प्लांट कराते रहता था, इसी का एक आदमी, अब वो मरहूम हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बहुत ही घटिया लोग हैं, इसीलिए तो सब पर डंडे बरसवाते थे। हम लोग जब आंदोलन करते तो बेटियों का ही सर फोड़ दिया है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बेटियां नहीं पढ़ती हैं क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, एएमयू में, जामिया में, ये क्या कर रहे हैं? कहा जाता है जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो लोग न्याय की जो उम्मीद लेकर जुडिशरी सिस्टम के पास जाते हैं, लेकिन अभी हम कुछ वकीलों से बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो न्याय व्यवस्था, वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में है इस टाइम। अब देखिए, एक ही तो भरोसा रहता था कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, कोई ऐसा कानून बन जाएगा तो अदालत में अटकेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि अदालत में बैठे लोग दुहाई दे रहे थे जमहूरियत की खतरे में है, और जो आदमी दुहाई दे रहे थे वही एक कंट्राडिक्टरी जजमेंट लेकर आ गए बाबरी पर। बाबरी में ये स्टेट बनाएगा अब ट्रस्ट, और ये स्टेट का काम है, स्टेट तो सेकुलर है, उसका काम मंदिर मस्जिद बनाना है, मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका काम गुरुद्वारा बनाना है, उसका काम बौद्ध विहार बनाना है, उसका काम जो है चर्च बनाना, गिरजाघर बनवाना है, और तमाम तरह के मजहबों के मजहबी कार्यों से खुद को मुक्त रखना, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना है, लेकिन नहीं है। अदालत पर से भरोसा उठने के पीछे, अब उठ जाए तो कोई अच्छी बात तो है नहीं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संविधान को मानने का मतलब ये नहीं है कि संविधान को पिचका दो, संविधान में अमेंडमेंट का इसलिए प्रोविजन है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, समय के हिसाब से कुछ ठीक करना है उसमें, हाँ तो उसको अंदर से फैलाओ दो, सिकोड़ो नहीं, ये लोग तो पिचका दिया है उसको। तो क्या फिर जनता किस पे विश्वास करे सर? सरकार पे विश्वास नहीं करे, कहा जा रहा है कि नेता झूठे। जनता विल पर विश्वास करे, जो पीपुल्स विल है। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं किया करती, तो ये खाली कहने के लिए नहीं हो। ये जो विरोध हो रहा है जगह जगह पर, यह विरोध है तब तो मान लीजिए कि लगता है कि सरकार को बदला भी जा सकता है। महाराष्ट्र में ये जा भी सकते हैं, पंजाब में जा भी सकते हैं, मध्य प्रदेश में जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में जा सकते हैं, राजस्थान में जा सकते हैं, झारखंड में जा सकते हैं, दिल्ली से ये जा रहे हैं, बिहार इनका इंतज़ार कर रहा है फिर से इनको सबक सिखाने के लिए, ममता दीदी तैयार बैठी हैं उधर इनका इलाज करने के लिए। सब अमृत पीकर थोड़े आए हैं ये, 41% लोग समर्थन कर रहे हैं सीए का। अब बताइए, ये मिस्ड कॉल दिलवा के, तरह तरह का हथकंडा अपना के इस तरह का काम कर रहे हैं। दरअसल हम लोगों की बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए कि इस देश को बचाने के लिए हम लोग आगे तो आ रहे हैं, लेकिन इन बदतमीज़ों का विरोध करने में हमारी जवानी का सबसे कंस्ट्रक्टिव और सबसे खूबसूरत पीरियड ज़ाया हो रहा है एक तरह से। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।